दोस्तों अगर आपका भी लैपटॉप में इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है जिससे आपने लैपटॉप को ऑन किया है, देख सकते हैं यहाँ पर स्मार्ट टेस्ट वार्निंग करके इस तरह से एक प्रॉब्लम आ गया है। हो सकता है इसमें आपका कुछ चेंजेज करके लिखा आ सकता है। इसमें दोस्तों लिखा हुआ है स्मार्ट टेस्ट वार्निंग पार्ट 0 और यहाँ पर कुछ कोड लिखा हुआ है स्मार्ट स्टेटस इज बेड प्लीज वेकअप एंड रिप्लेस द डिवाइस प्रेस एनी की टू कंटिन्यू टू बूट। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो आसुस का वीवोबुक लैपटॉप है, हो सकता है आपके पास कोई दूसरा लैपटॉप होगा और दोस्तों इस तरह से प्रॉब्लम आ जा रहा है स्मार्ट टेस्ट वार्निंग करके। अब दोस्तों आप ये प्रॉब्लम को कैसे सही करेंगे, कैसे इसे फिक्स करेंगे? जब दोस्तों हमारे पास ये प्रॉब्लम आया था तब तो दोस्तों मैं पूरा डर गया था कि हमारे मोबाइल में जो डेटा वगैरह है ये दोस्तों पता नहीं इसका क्या होगा, जिससे हम लोग का डेटा है, वीडियो है, फोटो है, हो सकता आपके भी लैपटॉप में इंपॉर्टेंट फाइल वगैरह होगा। अब दोस्तों मुझे तो यहाँ काफी टेंशन हो गया, डर हो गया, लेकिन मैंने जो सिर्फ 1 मिनट के अंदर इसे दोस्तों ठीक कर लिया। देखो दोस्तों मैंने जो है अपने रिस्क पे लेकर के इसे ट्राई किया है और दोस्तों हमारा ठीक हो गया है। हम दोस्तों अपने वाले तरीके बता रहे हैं, आप चाहे तो दोस्तों इसे ट्राई कर सकते हैं, मेरा लैपटॉप सही हो गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, मैंने क्या किया है, अपने लैपटॉप में दोस्तों F1 बटन को प्रेस किया था। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे F1 बटन को प्रेस करेंगे तो दोस्तों आपका जो लैपटॉप है इस तरह से रिबूट यानी ऑन होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से घूमेगा और यहाँ पर विंडोज का साइन आएगा, आपको यहाँ पर वेट करना है। मैंने दोस्तों इसी तरीके से देख सकते हैं पहले रिकॉर्डिंग किया है, बाद में दोस्तों यहाँ पर वॉइस ओवर करके आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं स्क्रीन आपका पूरा ब्लैक हो जाएगा। अब दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको कुछ सेकंड का वेट करना है। यहाँ पर दोस्तों मैं तो पूरा डर गया था कि पता नहीं हमारा लैपटॉप में क्या हो गया, लेकिन दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारा लैपटॉप जो है ऑन हो गया है। इस बीच में दोस्तों मैंने कोई भी बटन नहीं प्रेस किया था, सिर्फ स्टार्टिंग में F1 बटन को प्रेस किया था। अब दोस्तों हमारे लैपटॉप में लॉक लगा हुआ है तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाला, जिससे पासवर्ड डाला तो देख सकते हैं हमारा लैपटॉप काफी आसानी से पूरा सेफ तरीके से ऑन हो चुका है और दोस्तों हमारा सभी डेटा यहाँ पर अवेलेबल है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। तो अगर आपके भी लैपटॉप में स्मार्ट टेस्ट वार्निंग का प्रॉब्लम आ रहा है इस तरह से सही कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।